अपना अपनों को भूल जाता है। दौर जब गर्दिशों का आता है, अपना अपनों को भूल जाता है। धोखा दे दी है बेवफा दुनिया, काम बिगड़े खुदा बनाता है। शौक साहब लिख रहे हैं कि दौर जब गर्दिशों का आता है, जब इंसान पे कोई मुसीबत आती है, उस वक्त सही कहा है कि अपना अपनों को भूल जाता है, धोखा देती है बेवफा दुनिया, काम बिगड़े खुदा बनाता है। कैसे खुदा बनाता है बिगड़े काम, समाज फरमाइए। एक दर्दनाक वाकया सुनिएगा मेहरुबा, एक दर्दनाक वाकया, एक दर्दनाक वाकया सुनिएगा मेहरुबा। लिखी है शौक ने ये हिदायत की दास्तां, पहला बंद। गम से लबरेज ये कहानी है, गुजरे हालात की निशानी है। लफ्ज डाले हैं इसमें चुन चुन कर, लोग रोया करेंगे सुन सुन कर। लोग क्या क्या न कर गुजरते हैं, अपने अपनों पे जुल्म करते हैं। गौर से सुनिए इसमें क्या क्या है, एक सौतेली माँ का किस्सा है। देखो तकदीर जब बिगड़ती है, दम में रौनक सभी उजड़ती है। दिन जो आते हैं खुश नसीबी के, दाग भूल जाते हैं गरीबी के। आदमी एक अपनी बस्ती में, किस्मत की सरपरस्ती में। एक बीवी थी खूबरू उसकी, गोद में एक उसके लड़की थी। दौर था उस घड़ी जवानी का, लुत्फ आता था शादुमानी का। बीवी शौहर परस्त खुश दिल थी, हर तरह खुश नसीबी हासिल थी। रंग बदला जो उसकी किस्मत ने, घेरा एकदम उसे मुसीबत ने। है कुछ किस्मत बिगड़ गई उसकी, बीवी बीमार पड़ गई उसकी। लाख उसने इलाज करवाया, उसने लेकिन न फायदा पाया। कर ली तदबीर हर करीने की, आस बाकी रही न जीने की। पूछा बीवी से कोई हसरत है, आखरी कुछ कोई वसीयत है।
बोली मेरी न कोई हसरत है, मेरे सरताज एक वसीयत है। क्या बच्ची को मेरी हर तरह तुम चैन दीजियो, बच्ची को मेरी हर तरह तुम चैन दीजियो, बच्ची को मेरी हर तरह तुम चैन दीजियो, बच्ची को मेरी हर तरह तुम चैन दीजियो। जो हो सके तो दूसरी शादी न कीजियो, जो हो सके तो दूसरी शादी न कीजियो, जो हो सके तो दूसरी शादी न कीजियो। ये आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि इसकी बीवी की तबीयत खराब होती है, बचने की जब कोई उम्मीद नहीं रही तो शौहर पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी हसरत? कहती है कि ये जो मेरी बच्ची है एक छोटी सी, तुम इसको चैन देना, और अगर हो सके तो तुम मेरे बाद दूसरी शादी मत करना। क्या शौहर अपनी बीवी की इस बात पर अमल करेगा? आगे समाप्त फरमाइएगा दूसरा बंद। अहद बीवी से कर लिया उसने, मुतमईन खूब कर दिया उसने, बच्ची पालूंगा प्यार से अपनी, मैं करूंगा ना अब कभी शादी। इतना सुनते ही खुश हुई बीवी, देखा हसरत से और ये बोली, अब सलाम आखरी मेरा लीजे, सब खताएं मुआफ कर दीजे। आंसू आंखों में आए दोनों के, हिचकी लेकर गई वो दुनिया से। ये मर जाती है इसकी बीवी, फिर क्या होता है सुनिएगा। घर से बीवी की जब चली मैयत, दिल पे शौहर के गम की थी शिद्दत, आंसू आंखों से कुछ दिनों ढल के, रफ्ता रफ्ता वो गम हुए हल्के, गुजरे दो साल इस तरह उसके, सारे गम फिर ख्याल से उतरे, अपनी लड़की को वो मसरत से परवरिश कर रहा था हसरत से। एक दिन क्या हुआ जरा सुनिए, इनकलाबी ये माजरा सुनिए, एक मेहमान आई घर उसके, भूत फिर तो चढ़ा था सर उसके, वो हसीन और खूबसूरत थी, खुश अदाएं थी और नजाकत थी, जादू उस पर था खुश बयानी का, रंग चढ़ती हुई जवानी का, उसकी नजरों ने कर दिया जादू, दिल हुआ मस्त और बेकाबू, बोली तन्हाई दूर कर लीजिए, यूं अकेले न अब घुटा कीजिए। शादी उसी से करके वो मशहूर हो गया, शादी उसी से करके वो मशहूर हो गया।
साल के बाद एक मेहमान इसके घर आती है। उसका हुस्न व शबाब देखकर ये अपनी बीवी से किया हुआ वादा भूल जाता है और उसी से दूसरी शादी करके मसरूर हो जाता है, यानी खुश हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है समाज फरमाइए। उस पे रहता था हर घड़ी शैदा, एक लड़का भी हो गया पैदा। गुजरे कुछ साल ऐशो इशरत में, पड़ गई जान फिर तो आफत में। बस वो लड़का था और लड़की थी, जुल्म करती थी माँ वो सौतेली। लड़की को देख कर वो जलती थी, घर में बस एक उसी की चलती थी। जब वो सौतेली माँ सताती थी, लड़की को माँ की याद आती थी। वो हसीन और फूल सी लड़की, रंज सह सह के हो गई दुबली। मार फटकार उस पे पड़ती थी और कयामत सी एक गुजरती थी। काम करती थी पिटती रहती थी, बाप के मुंह को तकती रहती थी। बाप बेदर्द बन गया ऐसा, उस पे बीवी का खौफ था छाया। इस मुसीबत में जा पेशानी में उसने रखा कदम जवानी में। उस पे दौरे शबाब यूं आया, धूप में जैसे फूल मुरझाया। दामन खुशी का रंज के अश्कों से भर दिया, दामन खुशी का रंज के अश्कों से भर दिया। दामन खुशी का रंज के अश्कों से भर दिया। किस्मत ने उसको इस तरह मजबूर कर दिया, दामन खुशी का रंज के अश्कों से भर दिया। लेकिन जब इस लड़की पे जवानी आती है और जवान हो जाती है, बेचारी सौतेली माँ के ताने सुनती है, मार फटकार सुनती है, लेकिन बाप कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये दूसरी बीवी का पूरी तरह से आशिक था। घर में इसी की चलती थी सौतेली माँ की। आगे और क्या क्या जुल्म ढाएगी ये सौतेली माँ इस बेचारी लड़की पर, समाज फरमाए। हो गई जब जवान वो लड़की, सोचा माँ बाप ने करे शादी। उसकी सौतेली माँ ने घर ढूंढा, एक जिम्मेदार बूढ़ा पर ढूंढा। इसकी सौतेली माँ ने इस लड़की के लिए इसकी उम्र से दुगनी उम्र का आदमी, यानी लड़की थी 18 साल की, और एक जिम्मेदार बूढ़ा बर यानी 40 साल से भी ज्यादा का आदमी ढूंढा। लेकिन वो था अतरा जिम्मेदार मालदार किस्म का, इसलिए सौतेली माँ ने जानबूझकर बूढ़े आदमी के साथ इसकी शादी तय की है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये उसने नहीं सोचा है। सुनिएगा आगे क्या होता है। उसकी सौतेली माँ ने घर ढूंढा, एक जिम्मेदार बूढ़ा पर ढूंढा। उस जिम्मेदार से रकम लेकर राजी शादी को कर लिया शौहर। चंद लोगों ने उसको समझाया, ऐसा रिश्ता पसंद क्यों आया।
एक बूढ़े से ब्याह करते हो, लड़की को तुम तबाह करते हो, उसको खोते हो ना कहानी में, बेवा हो जाएगी जवानी में, क्या बनेगा फसाना सोचो तो, क्या कहेगा जमाना सोचो तो, बाप ने अपनी राय जब बदली, उसकी सौतेली माँ ने जिद पकड़ी, अपने शौहर की बात ठुकरा दी, कर दी लड़की की बूढ़े से शादी, लड़की बनकर दुल्हन चली घर से, आंसू हर एक की आंख से बरसे, औरतें रोती जिक्र करती थी, उसकी किस्मत पे आह भरती थी, एक हसीन और नेक लड़की का हाय कैसा नसीब है फूटा। बाग उसकी तमन्नाओं का पामाल न होता, बाग उसकी तमन्नाओं का पामाल न होता, बाग उसकी तमन्नाओं का पामाल न होता। माँ जिंदा अगर होती, इस बेचारी की पहली माँ, सगी माँ अगर जिंदा होती तो इस बूढ़े जमींदार के साथ अपनी कमसिन बच्ची की शादी कभी नहीं करती। ये सिर्फ सौतेली माँ है जो एक बेटी को जानबूझकर इस बूढ़े के सर बांध रही है। आगे क्या होता है इस लड़की का हाल समाज फरमाएं। हाल लड़की का था अजब उस दम, आंसू बहते थे होश था कम कम, ऐसा तकदीर ने नवाजा था, हसरतों का उठा जनाजा था, दिल में ऐसे ख्याल आते थे, दामने सब्र को जलाते थे, जब चली बदनसीब की डोली, वो सिसक कर ये बाप से बोली, जब चली बदनसीब की डोली, वो सिसक कर ये बाप से बोली। बेचारी की डोली जब जाती है तो ये अपने बाप से क्या कहती है, समाज फरमाइएगा। जब चली बदनसीब की डोली, वो सिसक करिए बाप से बोली, बाबा जल्दी मुझे बुला लेना, मुझको दिल से ना तुम भुला देना। जब वो ससुराल खैर से पहुंची, घर में एक धूम थी मसरत की, रूनुमाई को औरतें आई, देखा उसको तो लब पे ये लाई, वाह क्या मैं जबीन दुल्हन है, चांद जैसी हसीन दुल्हन है ये बेहद गरीब की लड़की, कुछ न लाई जहेज बेचारी, उसके शौहर का हाल क्या कहिए,
दिल के अरमान हो गए पूरे, अपनी किस्मत पे नाज करता था, वक्त अच्छी तरह गुजरता था। उसने बीवी को सुख दिया ऐसा, गम का एहसास हो गया हल्का। यूं तो सुख चैन खूब पाती थी, फिर भी महके की याद आती थी। क्यों ना महके को याद वो करती, एक करवट पे जलती है रोटी। माँ बाप ऐसे भूल के उसकी ना ली खबर, माँ बाप ऐसे भूल के उसकी ना ली खबर, माँ बाप ऐसे भूल के उसकी ना ली खबर, माँ बाप ऐसे भूल के उसकी ना ली खबर। दो साल तक बुलाया नहीं साल हो गए, माँ बाप ने इसकी कोई खैर खबर ही नहीं ली। माँ बाप ने दो साल तक जब इसको नहीं बुलाया तो इसने बेचारी ने क्या किया वहाँ पर अपने शौहर के साथ, सबको अखलाक और मोहब्बत से अपना बना लेती है। लेकिन इस पे कौन सा हादसा गुजरेगा इस बंद में समाप्त फरमाइएगा। उसने शौहर की खूब ताकत की और घर वालों की भी खिदमत की, उसके अखलाक और आदत से खुश पड़ोसी थे नेक तीनत से, घर के सब लोग ताने देते थे, मैके वाले न लेने को आए, कोई कुछ कहता सबकी सहती थी, सब्र करती थी कुछ न कहती थी, याद मैके की उसको आती दम तक कभी नहीं मारा, और इसके सिवा था क्या चारा। दम गनीमत था उसको शौहर का, और दुनिया में कौन यावर था, फरमा बरदारी सबकी करती थी, जिंदगी बस यूं ही गुजरती थी। उसका शौहर था उम्र में ज्यादा उसको, लेकिन वो शाद रखता था, खाने पीने का और कपड़े का हर घड़ी वो ख्याल रखता था। हो गया इस तरह से कुछ अरसा, उसके दो लड़कियां हुई पैदा, एकदम फिर ये इनकलाब आया, बदनसीबी का एक अजाब आया। उसकी किस्मत ने साथ जब छोड़ा, वक्त ने अपना उससे मुंह मोड़ा। एक हादसा अजीब ये उस पर गुजर गया, एक हादसा अजीब ये उस पर गुजर गया, एक हादसा अजीब ये उस पर गुजर गया, एक हादसा अजीब ये उस पर गुजर गया। बीमार हो के उसका वो काबिल मर गया, बीमार हो के उसका वो काबिल मर गया, बीमार हो के उसका वो काबिल मर गया।
बेचारी का शौहर मर जाता है, अभी तक सुहागन थी लेकिन अब बेवा हो जाती है। उसके बाद कौन कौन से जुल्म के पहाड़ इसके ससुराल वाले इस पर ढहेंगे, देवर जेठ वगैरह सुनिएगा। कहर टूटा तो ये बेचारी पर, दिल पे चलता था रंज का खंजर, कैसी बनकर बिगड़ गई उसकी, बज़्मे इशरत उजड़ गई उसकी, अब अंधेरा था जिंदगानी में, बेबो हो गई जवानी में, चार दिन को सुहाग पाया था, बदनसीबी का सर पे साया था, पाया गम से अभी था छुटकारा, उसको शौहर की मौत ने मारा, जब हुई मौत उसके शौहर की, बोली एकदम निगाह सब घर की, जब हुई मौत उसके शौहर की, बदली एकदम निगाह सब घर की, सब ये कहते थे ये अभागन है, खाया शौहर को इसने डाइन है, मालो दौलत जमीन का झगड़ा, सबने पीछा बुरी तरह जकड़ा, घर में जेवर या जो भी दौलत थी, जेठ देवर ने छीन ली सारी, उसके सब घर पे कर लिया कब्जा, मिलके सब घर ने खूब ही मारा, वक्त किस्मत ने कैसा डाला था, घर से बाहर उसे निकाला था, एक तो फाके से ना तवानी थी, एक तो फाके से ना तवानी थी, और गर्दिश की मेहरबानी थी, लड़कियां दोनों अपनी बोले कर चल दी पैदल ही रंज से मुजतर, सो गया था नसीब कुछ ऐसा, पास जेवर न कोई था पैसा, बेचारी पे नसीब की वो मार है पड़ी, बेचारी पे नसीब की वो मार है पड़ी, बेचारी पे नसीब की वो मार है पड़ी, भारी है जिंदगी कि उसे अब घड़ी घड़ी, 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 भारी है जिंदगी कि उसे अब घड़ी घड़ी। शौहर के इंतकाल के बाद ये बेचारी अपनी दोनों लड़कियों को लेकर, अपनी बच्चियों को लेकर अपने बाप के घर आती है, लेकिन वहां क्या इस लड़की को कोई अपनाएगा, समाज फरमाए। टूटे सब उसके ऐश के सपने, टूटे सब उसके ऐश के सपने, पहुंची घर पर वो बाप के अपने, मिलके कंधे से बाप के बेटी, खूब रोई नसीब की हेटी, बोली है ये असर मुकद्दर का, हो गया इंतकाल शौहर का, छीना सब माल जेठ देवर ने, मारा पीटा मुझे सभी घर ने, वक्त किस्मत ने ऐसा डाला है, सबने घर से मुझे निकाला है, बाप ने कुछ उसे तसल्ली दी, बोला
मुर्दा वो सब्र कर न रो बेटी, 2200 तेला चश्म नम होकर बोला घबराना हम तो हैं सर पर, खून का हम असर दिखाएंगे, उम्र भर बैठे हम खिलाएंगे। इतना सुनते ही माँ वो सौतेली सख्त गुस्से में तन के ये बोली, इसने कोई बड़ी खता की है इसलिए इसको ये सजा दी है, बेखता थी तो घर पे ही रहती, हाल बस्ती के लोगों से कहती, इसको इतना चढ़ाओ मत सर पर वरना आफत पड़ेगी इस घर पर। कुछ किया है बड़ा कसूर इसने, बेजा हरकत है कि जरूर इसने, घर पर न रोको अब इसे वापस ही भेज दो, घर पर न रोको अब इसे वापस ही भेज दो, घर पर न रोको अब इसे वापस ही भेज दो, घर पर न रोको अब इसे वापस ही भेज दो। बस्ती कहे भी क्या जरा इतना तो सोच लो, बस्ती कहे भी क्या जरा इतना तो सोच लो, बस्ती कहे भी क्या जरा इतना तो सोच लो। सौतेली माँ कहती है कि इसने जरूर कोई बड़ी खता की होगी, वरना शौहर के इंतकाल के बाद घरवाले इसको ऐसे नहीं निकालते। लेकिन इसका सौतेला भाई एकदम क्या कहता है अपनी माँ से, समाज फरमाइएगा। बोला लड़का ये जुल्म मत ढाओ, कैसी माँ हो जरा तरस खाओ, इस बेचारी का दिल दुखाती हो, गम की मारी को तुम सताती हो, बेवा होने का गम नहीं तुमको, इसकी हालत हुई है क्या देखो, एक मुद्दत में घर पे आई है और फिर इस पे ये चढ़ाई है, तुमने लालच में इसको खोया है, बीज बर्बादियों का बोया है, जो ना बूढ़े से करती शादी होती इसकी ना आज बर्बादी, घर में इसको रखो मोहब्बत से, आशना होना फिर हकीकत से, है ये बेकस ना ताना दो इसको, भूखी प्यासी है थाना दो इसको, इसकी ससुराल कल ही जाएंगे, हाल मालूम करके आएंगे, बाप ने राय बेटे की मानी, माँ सितमगर ने और कुछ ठानी, बोली मेरी ना कुछ हकीकत है, बाप बेटे को मुझसे नफरत है, इस चहीती को रोक लो घर में, पाक झोंकेगी एक दिन सर में, मैं बुरी हूँ इसे सताती हूँ, अपने मैं के कोलो मैं जाती हूँ, घर में अब लौट कर न आऊंगी, मुँह न अपना तुम्हें दिखाऊंगी, जहर खा लूंगी जान दे दूंगी, मैं तबाही के बीज बो दूंगी, इसको रखोगे तुम अगर घर में, पैदा होगा जुनू मेरे सर में। आ
लड़की अंधेरी रात में रोती नहीं खड़ी, लड़की अंधेरी रात में रोती नहीं खड़ी, लड़की अंधेरी रात में रोती नहीं खड़ी। ये बाप बेटों की बात सुनकर लड़की चुपचाप खड़ी रोती है। जब उसने देखा कि अब तो मेरा बाप के यहाँ भी कोई नहीं है, तो ये क्या करती है लड़की, समाप्त कीजिएगा। घर में तूफान तबाही के डर से लड़की छुप कर निकल गई घर से। रात का वक्त और अंधेरा था, उस बेचारी को गम ने घेरा था। दोनों मासूम बच्चियां लेकर दूर पहुंची वो गांव से बाहर। रात थी और सफर था जंगल में, उसका दिल था गमों की हलचल में। ये मुसीबत थी और जवानी में जीना मुश्किल था तारे पानी में। गुजरे दिन अपने याद कर कर के, ऐसा करती थी आह भर भर के। क्या कहती थी ये लड़की कि मेरे मालिक बता, ऐसी हुई है क्या खता हमसे, हुए हैं अपने बेगाने, न जाने क्यों खफा हमसे। मुकद्दर ने हमारे हम पे कैसा जुल्म उठाया है, मुकद्दर ने हमारे हम पे कैसा जुल्म है ढाया। करें किस पर भरोसा जब हमें अपनों ने ठुकराया। गमों के तेज तूफान और है मझधार में कश्ती, जुदा हमसे हुआ है ना खुदा पतवार है छूटी। अंधेरी रात है तनहा सफर ऐ तू जहां वाले, पीछे है राह में कांटे पड़े हैं पांव में छाले। चला जाता नहीं अब दो कदम भी रास्ता हमसे, मेरे मालिक बता ऐसी हुई है क्या खता हमसे। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। अब सुनो हाल उसके भाई का, क्या नतीजा मिला भलाई का। हो गई देर माँ की हुज्जत में, दिल पड़ा फिर अजीब आफत में। बहन को अपनी जिस घड़ी देखा, उसको घर में मगर नहीं पाया। ढूंढा फिर आस पास हर घर में, था दिमाग उसका है चक्कर में। गांव में भी कहीं नहीं पाया, दूर तक देख कर वो घर आया। रात काटी अजीब उलझन में, भूख रह रह के उठती तन मन में। बाप माँ से शहर को वो लड़कर, भर के गुस्से में छोड़ा उसने घर। ढूंढा चारों तरफ की बस्ती में, उनका प्यासा था तंग दस्ती में। पहुंचा परदेश में वो बेचारा, बेसहारा था रंज का मारा। कुछ दिनों अपनी बहन को ढूंढा, उसका लेकिन पता नहीं पाया। जाके एक शहर में वो फिर ठहरा, दिल पे सदमों का जख्म था गहरा। नौकरी मिल गई जो किस्मत से, हो गया माला माल दौलत से। फिर तिजारत की शहर में उसने, उसके कुदरत ने खूब दिन फेरे। दिन जो आते हैं खुश नसीबी के, दाग धुल जाते हैं गरीबी के। कुदरत ने उसको खूब नवाजा था शान से,
शादी वो करके रहने लगा आनुबान से, शादी वो करके रहने लगा आनुबान से, शादी वो करके रहने लगा आनुबान से। ये लड़का यानी इसका सौतेला भाई अपनी बहन को तलाश करते करते जब परेशान हो जाता है तो एक शहर में ये नौकरी कर लेता है और इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि ये अपनी शादी भी करता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने इसको हर चीज़ दी है, क्योंकि इसने एक गरीब लड़की की, अपनी सौतेली बहन की हिमायत की थी, तरफदारी की थी, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको सिला दिया है उसी बात का। लेकिन अब और क्या क्या किया इस लड़के ने शहर में रहकर, सुनिएगा। ऊंची तकदीर हो गई उसकी, कोठी तामीर हो गई उसकी, चूमती थी कदम बहार उसका, अब रईसों में था शुमार उसका, ऐशो इशरत में दिन गुजरते थे, कद्र सब लोग उसकी करते थे, एक दिन दोनों वो मियाँ बीवी बातें करते थे बाखुशी अपनी, ईद का दिन था और सवेरा था, नूर खुर्शीद ने बिखेरा था, खूब अच्छा लिबास पहना था, उसकी बीवी पे था, फिर भी कुछ कुछ उदास चेहरा था, जाने आया था क्या ख्याल उसको, था किसी बात का मलाल उसको, सोचता था वो बात कुछ दिल में, था तसव्वुर गमों की मंजिल में, देखा इस हाल में जो बीवी ने, पूछा किसका मलाल है कहिए, क्यों खुशी में उदास चेहरा है, आज किसका ख्याल आया है, हाल दिल की न बात कह पाई, एक दरवाजे से सदा आई, क्या सदका दो ईद का हमें अल्लाह के नाम पर, सदका दो ईद का हमें अल्लाह के नाम पर, सदका दो ईद का हमें अल्लाह के नाम पर, सदका दो ईद का हमें अल्लाह के नाम पर, और अल्लाह तुम्हें पहुंचाएगा ऊंचे मकाम पर, अल्लाह तुम्हें पहुंचाएगा ऊंचे मकाम पर, अल्लाह तुम्हें पहुंचाएगा ऊंचे मकाम पर। एक दिन ये लड़का अपनी बीवी के साथ उदास बैठा हुआ था, तो बीवी पूछती है कि मैं पूछ सकती हूँ कि आप उदास क्यों बैठे हैं, लेकिन ये लड़का कोई जवाब नहीं देता है। इतने में दरवाजे से सदा आती है कि सदका दो ईद का हमें अल्लाह के नाम पर, सदका दो ईद का हमें अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तुम्हें पहुँचाएगा ऊँचे मकाम पर। ये आवाज़ सुनकर
बाहर जाकर जब देखती है इसकी बीवी और ये, तो क्या मंजर वहां पर है, समाप्त फरमाइएगा। सुन के आवाज वो गया बाहर, देखता क्या है जाके वो दर पर, एक भिकारन नकाब के अंदर है परेशान हाल है मुजतर। गोद में उसके एक है लड़की, एक खड़ी है गमों से मुरझाई, बोली वो 4 साल की लड़की, ओ भला आपका ओ बाबूजी, भूखे प्यासे हैं कुछ खिला दीजिए, ईद का सदका भी अता कीजिए। हो गया इंतकाल बाबा का, घर के लोगों ने हमको ठुकराया, पार गम सर पे ऐसा डाला है, मार कर घर से फिर निकाला है, सबने अम्मी का साथ छोड़ा है, मैके वालों ने नाता तोड़ा है, सख्त मुश्किल में दिन गुजरते हैं, मांग कर भी तो पेट भरते हैं, गर्दिशें जब बड़ी तो घबराए, आपके शहर में चले आए। सुन के लड़की से हाल मुश्किल का, जख्म एकदम हुआ हरा दिल का, इस विकारन से फिर पता पूछा, उसने सब हाल कह दिया अपना, उसने रो रो के आह भर भर के, नाम बतलाए अपने सब घर के, सब हाल भी जब उस भिकारन से ये बात सुनी तो उससे लिपट जाता है। उसकी बड़ी वाली लड़की सब हाल बताती है अपनी माँ का, कि हमारी माँ को घर वालों ने किस तरह निकाला है और हम बड़े मुसीबत के सताए हुए हैं। तो ये लड़का जब सारा हाल सुनता है तो एकदम पहचान जाता है कि यही मेरी बहन के साथ हादसा गुजरा है, और जब नकाब जरा सा हटाती है वो लड़की तो अपनी बहन को पहचान कर गले से लगा लेता है। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा हजरत। लड़कियों को गले से लिपटाया, सबको फिर अपने घर में ले आया, बोला बीवी से शान है रब की, मिल गई बिछड़ी बहन ये मेरी। बीवी ने उसकी फिर मोहब्बत से उसको चिपटा लिया शराफत से, गुस्ल करवा के सबको उल्फत से, कपड़े पहनाए खास इज्जत से, खाना खाया सभी ने फिर मिलकर, ईद सबने मनाई खिल खिल कर। भाई बोला ये बहन से अपनी, तुझको ढूंढा मगर न मिल पाई, मार डाला हमें तेरे गम ने, सदमे तेरे उठाए हैं हमने, शुक्र है रब का उसने मिलवाया, हो गया दूर रंज का साया। दिन गुजरने लगे मसरत से, मिलके रहते थे सब मोहब्बत से।
आवज में ऐसी उल्फत थी न फुरकत गवारा पल भर की। उसकी भावज ने खूब खिदमत की, नंद को भी बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन बहन बोली भाई से, बाप माँ की भी कुछ खबर लीजिए। देखिए लड़की का दिल देखिए, बेटी आखिर बेटी होती है। माँ बाप ने बहुत जुल्म ढाया है इस बेचारी के साथ, लेकिन अब जब ये सही जगह पर आ जाती है तो इसको फिर अपने माँ बाप की भी याद आती है। भाई से कहती है कि अब अपने माँ बाप की भी कुछ खबर लें, उनको किस हाल में हैं। तो आगे क्या होता है सुनिएगा साहब। एक दिन बहन बोली भाई से, बाप माँ की भी कुछ खबर लीजिए। बोला वो घर को मैं न जाऊंगा, अपनी खाई कसम निभाऊंगा। तुम चली जाओ देख कर आओ, बाप आए तो साथ ले आओ। लड़की गई माँ बाप के घर हाल ये देखा, लड़की गई माँ बाप के घर हाल ये देखा, लड़की गई माँ बाप के घर हाल ये देखा, लड़की गई माँ बाप के घर हाल ये देखा। फाकों से सूख सूख के वो हो गए, लड़की अपने माँ बाप के घर जाती है देखने के लिए कि किस हाल में है। वहाँ पर माँ तो इसकी अंधी हो जाती है और बाप भी मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा जनाब। शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं हजरात, ये प्रोग्राम अल्फा साउंड सिस्टम के ताबुन से पेश किया जा रहा है। आखिरी बंद मुलाहजा फरमाएं। जो भी घर में था कुछ नहीं छोड़ा, घर में फिर बेच कर दिया कर्जा। इनके माँ बाप ने जो कुछ घर में माल दौलत थी कुछ नहीं छोड़ा, और ये घर भी बेच देते हैं कर्जे में। उसके बाद कहाँ रहते हैं, एक किराए के मकान में। सुनिएगा आगे। अब किराए के घर में रहते थे, दुख मुसीबत का रंज सहते थे। माँ ने लड़की पे जुल्म जो ढाए, इसलिए उसके दिन बुरे आए। माँ को कुदरत ने कर दिया अंधा, दोनों करते थे भीख का धंधा। लड़की लड़के का हाल सब सुन के, लोग बस्ती के खुश हुए सारे। लड़की माँ बाप साथ में लेकर आई वो अपने भाई के घर पर। लड़का लड़की बहू ने खिदमत से दोनों की हो गई भली हालत। लड़का लड़की बहू ने की खिदमत दोनों की हो गई भली हालत। देखिए अब नसीब का सामा, घर जिमीदार का हुआ वीरा। उस जिमीदार के बशर घर के पहुंचे मुल के आदम में सब मर के। जो था मालो मका जिमीदारी, सबकी मालिक हुई वही लड़की। अपने भाई के दोस्त से अपनी करके शादी वो शाद रहती थी। हो गए दूर रंज के साए, ऐशो इशरत के दिन पलट आए। ऐशो को ये तस्लीम और आरिफ की जुबानी, ऐशो को ये तस्लीम और आरिफ की जुबानी, ऐशो को ये तस्लीम और आरिफ की जुबानी। ऐशो
हिदायत के लिए पेश कहा।